तो गाइस जैसा तुमको पता ही हो गया, शिनचैन बन गया लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट। पर यार एक बहुत बड़ा कांड हो गया, शिनचैन ने मुझे भी फंसवा दिया, वो खुद भी फंस गया। पर यार लास्ट में ऐसी कोई बात हुई कि शिनचैन ने मुझसे ही हेल्प मारी, तो देखते यार क्या हुआ है। अरे यार ये शिनचैन सुबह से मेरे से उसकी गाड़ियां धुलवा रहा है यार, खुद तो प्रेसिडेंट बन गया और आराम से बस है ना एसी के रूम में बैठा रहता है, पर यार मुझसे पूरे दिन गाड़ियां धुलवाता है यार। कितनी धूप है और सुबह से 10 गाड़ियां साफ कर चुका हूं यार, मुझे 10 रुपए के तुरतुरे भी नहीं दिलाए। ओए फ्रैंकलिन जल्दी जल्दी से गाड़ी साफ कर, प्रेसिडेंट शिनचैन को बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, यहाँ पे देख कितनी सारी मिट्टी लगी है, तो उनका नाम खराब करेगा। अरे यार गार्ड अंकल कर तो रहो यार, सुबह से गाड़ियां साफ साफ कर करके यार मैं तो बहुत थक गया यार। यहाँ पे 2 मिनट में यहाँ पे पेड़ की छांव में आके खड़ा हो जाता हूं यार, सुबह से धूप में काम कर रहा हूं यार, गाड़ियां धो रहा हूं। ओए फ्रैंकलिन तू यहाँ पे किससे पूछ के आया? अरे यार 2 मिनट छांव में तो खड़े रहने दो यार, सुबह से गाड़ियां साफ कर रहा हूं, थक गया हूं। ओए फ्रैंकलिन तुझे गाड़ियां साफ करनी है, जल्दी जल्दी से साफ कर वरना मैं तुझे गोलियों से भून दूंगा। फिंकी भैया जल्दी से यार मेरी व्हाइट वाली गाड़ी साफ करो यार, मुझे ननेको दीदी से भी तो मिलने जाना है। गाड़ी ये रेड वाली गाड़ी निकालो, आज मेरा रेड वाली गाड़ी में जाने का मन है। ओके सर, प्रेसिडेंट सर आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। अरे शिनचैन यार तुझे वो रेड वाली गाड़ी में जाना था, तो मेरे से व्हाइट वाली गाड़ी क्यों साफ करवाई? फिंकी भैया मेरा मर्जी, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं जो होगा वो करूंगा। प्रेसिडेंट सर हम आपकी मीटिंग पे पहुंच गए हैं, यहाँ पे हमने बहुत तगड़ी सिक्योरिटी रखी है, यहाँ पे आपको ऊपर ऑफिस में जाना है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट के डिसीजन लेने हैं। ओए तुम लोग यहाँ पे बंदूक लेके कैसे खड़े हो? ये प्रेसिडेंट है यहाँ के शिनचैन नुहारा लॉस सैंटोस के, यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ओए तू हमको मारेगा? हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, हम लोग गैंग वाले हैं, ये खा मेरी गोली और ये तो तू ढेर हो गया है, अब हम प्रेसिडेंट शिनचैन को किडनैप कर लेंगे। तू मुझे किडनैप की कर रही है यार, मैं तो इतना छोटा सा बच्चा हूँ। ओए तुम सिर्फ एक छोटा सा बच्चा नहीं है, तुम हो लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट, हमको पता है, हमको बहुत सारा पैसा चाहिए, तब हम गवर्नमेंट से मांगेंगे तुम्हारे लिए बहुत सारा पैसा। पिंकी भैया यार बचाओ मुझे, क्या हो रहा है? अरे बेबी वर्ड लग गई, प्रेसिडेंट शिनचैन तो किडनैप हो गए, मुझे जल्दी से फ्रैंकलिन को बताना पड़ेगा, वही सिर्फ अब शिनचैन को बता सकता है। अरे फ्रैंकलिन यार नीचे मत गिर खड़ा हो, जल्दी जल्दी से सुनो यार, इधर बाजू में आओ। अरे अरे क्या हुआ यार तुम इतनी आवाज क्यों कर रहे हो? अरे यार क्या हो गया है ना कि प्रेसिडेंट शिनचैन को कोई गैंग वालों ने किडनैप कर लिया। अरे अरे ऐसे कैसे किडनैप कर लिया, और उनके साथ शिनचैन के साथ तो कितनी जबरदस्त सिक्योरिटी रहती है। अरे यार उसने हमारे सारे गार्ड्स को मार दिया, हम वहाँ पे पहुंचे तो सारे गार्ड्स बेहोश थे, अब यार मैं किसी और को बताऊंगा तो पूरी सिटी में दंगे हो जाएंगे प्रेसिडेंट शिनचैन के किडनैप होने के बारे में। अब फ्रैंकलिन यार तुम्हें ही जाके शिनचैन को बचा के लाना पड़ेगा। अरे यार मैं क्यों बचा के लाऊं यार, मैं कोई सिक्योरिटी वाला हूं। पर यार इसकी बात भी सही यार, अपने मेरे को ही बचा के लाना पड़ेगा, और यार है तो शिनचैन आखिर मेरा भाई यार, अपने भाई को तो मुझे बचाना ही पड़ेगा। तो यार गाइस मैं यहाँ पे आ गया हूँ जहाँ पे मुझे पता चला था कि यार गैंग वालों ने शिनचैन को किडनैप करके रखा। मैं यार ये व्हाइट वाली गाड़ी लेकर आया जिसने जो है ना शिनचैन ने मुझसे सुबह धुलवाई थी, अब मैंने सुबह धो दी तो मैंने सोचा इसको यूज भी कर लो यार, पर ये वापस गंदी हो जाएगी और ये शिनचैन मेरे से वापस से साफ करवाएगा यार, क्योंकि मिट्टी में चला रहा हूं। पर कोई बात नहीं यार, ये देखो सामने गैंग वाले बंदे खड़े, मैंने मस्त यार मेरी असॉल्ट राइफल निकाली और इनका एक एक है ना पट से हेडशॉट मार रहा हूं यार। ये बॉट के बच्चों ने लगता आर्मर भी नहीं पहन रखा, इसके लिए इजीली मर रहे। अरे अरे फ्रैंकलिन गिरना मत यार, धीमे धीमे चलते। अरे अरे फिर से बढ़ रही है। पर यार और मैं इनको यार स्प्रे करना चालू कर देता हूं, और मेरी गन के ऊपर सप्रेसर लगा हुआ है, किसी को कुछ पता भी नहीं चल रहा है गोलियां कहां से आ रही है। ये लो बॉट के बच्चों यार, तुमने मेरे भाई को और लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को किडनैप किया। अरे शिनचैन यार ये देख मैं तुझे बचाने आ गया हूं। पिंकी भैया यार तुम मुझे बचाने आ गए यार, थैंक यू यार, ये लोग मुझे कब से डरा रहे थे कि फ्रैंकी भैया नहीं आए तो हम तुम्हें मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे अरे शिनचैन तू बिल्कुल चिंता मत कर, ये देख मैं यहां से तेरे लिए ब्लैक कार चुरा रहा हूं, अब जल्दी जल्दी से तू यहां पे आ जा, दूसरे गैंग वाले बंदे आए। और यार शिनचैन यार अपने भाग रहे थे, वहां पे देख यार कितने सारे बंदे आ रहे। पिंकी भैया यार यहां से भगाओ, मुझे बचा के लेके जाओ यार, ये लोग मुझे मार देंगे। हां शिनचैन तू बिल्कुल चिंता मत कर, ये देख यार मैं इन सब लोगों के ऊपर से गाड़ी चला दूंगा यार, अब इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। पिंकी भैया यार तुम्हें इनको सबको मारना पड़ेगा वरना ये मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल शिनचैन तू बिल्कुल मत घबराना, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तुझे बचाऊंगा। ये देख मैंने रॉकेट लॉन्चर निकाला और क्या जबरदस्त, देख मैं सब लोगों को रॉकेट से मार रहा हूं, ये बॉट के बच्चे मुझे मार भी नहीं पा रहे, मैं कैसा रन एंड गन कर रहा हूं यार, इन बिल्कुल मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। देख धमाधम रॉकेट से स्प्रे करो, ये लोग कहीं पे भी कवर ले कुछ नहीं होगा। अब एक काम करता हूं यार, रॉकेट लॉन्चर से तो बात नहीं बढ़ रही, मैं फटाफट से ना मेरी मिनी गन निकालता हूं और मिनी गन से सारे बॉट के बच्चों को स्प्रे करने लगता हूं। ये लो बॉट के बच्चों, ये लो यार तुम प्रेसिडेंट शिनचैन को किडनैप करोगे और फ्रैंकलिन से पंगा लोगे, तुमको किसी को नहीं छोड़ूंगा। और यार मेरे पास एक और रॉकेट लॉन्चर निकाल लेता हूं वापस से, और इनको रॉकेट मारने पड़ेंगे, इतने सारे बंदे, पर बहुत सारे बंदे बचे नहीं, मेजोरिटी बंदों को तो मैंने मार दिया, थोड़े से ही बंदे बचे उनको मैं फटाफट से रॉकेट लॉन्चर से फिनिश कर दूंगा। और यार यहां पे और इधर उधर लोग छुप रहे हैं यार, मेरी रॉकेट वहां तक पहुंच नहीं कर रहे, और मेरे पास बड़ी सी लेजर की रेल गन है, मैं लेजर गन से मारूंगा। ये लो भाई तुम शिनचैन को मारोगे, ये लो भाई अब तुमने शिनचैन से पंगा लिया, तो मतलब फ्रैंकलिन से भी पंगा लिया। तो गाइस यार ये देखो मैं शिनचैन को वहां पे सब बंदों से बचा के यहां पे ले आया हूं। अब नॉर्मली है ना शिनचैन यहां पे अपने वाले घर पे नहीं आता था, ये प्रेसिडेंट वाले घर पे रहता था, पर मैं इसको यार सेफ्टी के लिए आज यहां ले आया हूं। पिंकी भैया थैंक यू यार तुमने मुझे बचा लिया। शिनचैन यार देख तेरे को प्रॉब्लम हुई तो तुझे बचाया तो मैंने ही ना, और यार तू मेरे से दिन भर मेहनत कराता है, मुझसे गाड़ियां धुलाता है, मुझे ना छांव में खड़ा भी नहीं रहने देता। पिंकी भैया मैं प्रेसिडेंट क्या करूं, मुझे मार के रहे हो। ये देख तू ना मुझे इतना हैरान करता है ना, मैं इसके लिए तेरी पिटाई लगाता हूं। एक काम करता हूं, ये भी लात खा भाई, अब तूने मेरे से गाड़ियां धुलवाई ना धूप में इतनी, मुझे 10 रुपए के
तुरतुरे भी नहीं दिलाए तूने। पिंकी भैया यार मारू मत मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा अच्छा शिनचैन क्या सरप्राइज है बता तो। पिंकी भैया यार मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। अच्छा अच्छा मेरे लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। हाँ पिंकी भैया अगर सब लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दिया तो तुम्हें पार्टी दूंगा मैं। तो गाइस यार शिनचैन ने देखो मुझे मस्त बताया कि यार ये प्राइवेट बीच पे लेकर आया और ये पूरा बीच हमारे यहाँ मेरा और शिनचैन का और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां आएगी, बहुत सारा खाना होगा, पार्टी करेंगे। अरे ये क्या हो गया मिस्टर फ्रैंकलिन, तुम्हें करा जाता है गिरफ्तार। हम है लॉस सैंटोस की सीक्रेट पुलिस। तुमने प्रेसिडेंट शिनचैन को पिटाई लगाई और तुमने उनको किडनैप भी किया। अब हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। अरे शिनचैन यार देखिए क्या बोल रहे हैं यार, ये देख मेरे ऊपर बंदूक डाल रहे। ओए मिस्टर प्रेसिडेंट तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, हम मिस्टर फ्रैंकलिन को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। मिस्टर फ्रैंकलिन बहुत गंदे बच्चे हैं, अब हम उनको जेल में डाल देंगे, उनकी खूब पिटाई लगाएंगे। अरे यार शिनचैन मुझे बचा यार, मैंने तुझे बचाया। अरे यार ये लोगों ने मुझे गलती से पकड़ लिया यार। शिनचैन यार मुझे बचाया, मैंने तो तुझे यार वो गैंग वालों से बचाया और तूने मुझे ही फंसा दिया। आप कृपया करके चुप रहिए, तुम्हें लॉयर लाने का मौका मिलेगा। अरे यार ये देख यार ये मुझे यहाँ पे लेकर आ गए। अब जल्दी जल्दी से मिस्टर फ्रैंकलिन गाड़ी के बाहर निकलिए, भागने की बिल्कुल कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें गोलियों से भून दूंगा। जल्दी जल्दी से तुम अंदर चलो। अरे हाँ यार आ रहा हूँ यार, मैंने तो शिनचैन को बचाया यार, वो मेरे से गाड़ी धुलवाता है फिर भी, और फिर भी यार शिनचैन ने देखो यार गाइस मुझे कैसे फंसा दिया, मुझे यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे यार पुलिस वाला अंदर लेके जा रहा है। मिस्टर फ्रैंकलिन तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, चुपचाप यहाँ पे अपने कोने पे बैठ जाओ। अरे यार ये शिनचैन यार मुझे हमेशा कोई ना कोई डेली ट्रबल में फंसा देता है यार, इससे किस लड़के का मैं क्या करूं। पुलिस वाले अंकल रुक जाओ यार, फ्रैंकी भैया बिल्कुल खराब नहीं है, उन्होंने तो मुझे गैंग वाले से बचाया। मिस्टर प्रेसिडेंट तुम बिल्कुल भी इससे मत घबराओ, मैं अभी इसको गोली मार दूंगा। नहीं प्लीज फ्रैंकी भैया को गोली मत मारो यार, इन्होंने तो मुझे बचाया है। हाँ हाँ यार पुलिस वाले अंकल यार मैं बोल रहा हूँ, मैंने मिस्टर प्रेसिडेंट को बचाया यार, मैं क्यों उसको कुछ करूंगा यार, मेरा तो भाई है ये। ओ ऐसी बात है मिस्टर प्रेसिडेंट, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा फ्रैंकलिन ने तुमको किडनैप किया क्योंकि तुम उनसे बहुत सारी गाड़ियां धुलवाते हो। फ्रैंकी भैया देखो मैंने तुम्हें बचा लिया ना। अरे शिनचैन क्या बचाया यार, तेरे कारण ही तो सब तकलीफों में फंसता हूँ मैं यार, जब जल्दी से ये गाड़ी में बैठ जा। वो पुलिस वाले अंकल ने बोला कि अपने गाड़ी को फ्री में रख सकते क्योंकि उन्होंने मुझे गलती से गिरफ्तार कर लिया था। पिंकी भैया पर मुझे तो बहुत मजा आई। शिनचैन यार ये तू प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम छोड़ दे, रोज तू कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है फिर मुझे सॉल्व करनी पड़ती है। पिंकी भैया अब सब लोग इसे क्यों नहीं पूछते कमेंट सेक्शन में कि मुझे प्रेसिडेंट रहना चाहिए कि नहीं। हाँ तो गाइस यार अगर है ना तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि शिनचैन को प्रेसिडेंट रहना चाहिए कि नहीं, और अगर तुम चाहते हो कि प्रेसिडेंट रहे तो कमेंट करो कि ना यार शिनचैन को प्रेसिडेंट रहना चाहिए, और अगर तुम चाहते हो कि शिनचैन प्रेसिडेंट नहीं रहे तो ऐसा कमेंट करो कि शिनचैन को नहीं प्रेसिडेंट रहना चाहिए। फिर अपने अगले एपिसोड में देखेंगे कि शिनचैन प्रेसिडेंट रहता है कि नहीं। तो हम तुम्हें मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।